अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बर्ड्स लवर। दोस्तों पहले तो बहुत 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 माजरा, चूँकि मैं तकरीबन एक महीने से वीडियो नहीं बना रहा, रमज़ान का महीना चल रहा था, तो शायद मैंने उसमें कुछ वीडियो बनाई भी थी। आखिरी वीडियो मेरी मुर्गी बिठाने पर थी, जो मुर्गी का अंडा उठाया हुआ था मैंने। और माशाल्लाह से अब जो मैं वीडियो डालूँगा उनमें सब में गुड न्यूज़ है, मुझे माशाल्लाह से मुर्गी के भी अच्छे निकल गए हैं। और नीचे वाले कॉकटेल जो थे क्रीम के, जिन्होंने अंडे दिए थे, वो वीडियो मैंने आपको दिखाई थी, उन्होंने भी उनके भी चिक्स निकल गए हैं। और एक उसमें से चिक एक्सपायर भी हो गई है, वो मैंने यहीं रखा हुआ है, वो आपको मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड। उसमें चूने पड़ गए थे, इस वजह से मैंने हटा दिया, वो नहीं दिखाया आपको, वो फेंक भी दिया बच्चा मैंने। और आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दिएगा। तो मैं आज आपको बता दूँ कि मेरी वीडियो के टॉपिक पे जो मैंने अपनी नई कॉलोनी बनाई थी तो की वो बनाए हुए मेरे को तकरीबन टाइम भी हो गया है, और मैं अभी तक गया भी नहीं हूँ कॉलोनी के अंदर। उसमें जो बच्चे थे निकल के बाहर आके सेल भी हो गए हैं, जो मैंने देखे कल परसों, क्योंकि मैं एहतिकाफ में बैठा हुआ था माशाल्लाह से, तो उसके बाद बाकी मैंने देखे दिए। और दोस्तों एक गुड न्यूज़ ये भी है कि मेरी मुर्गी के चिक्स निकल गए, जिसमें से एक ही बचा है, क्योंकि मैं एहतिकाफ में बैठा था, इस वजह से सही केयर नहीं हो भाई, तो एक ही चिक्स बचा है, वो भी दिखा दूंगा आपको मैं। और मुर्गा वगैरह मैंने सेल कर दिया है, और जो मेरे कॉकटेल के ऊपर पिए है ना चार गोल का, वो दिखाता हूँ आपको, उसने भी अंडे दिए थे माशाल्लाह, तो उसके भी चिक्स आना स्टार्ट हो गए हैं। और यहाँ पर जो ब्लू पर्सनाटा का पियर था मेरा, बोले खाने में पिंजरे में, इसमें भी मेरे माशाल्लाह तो चिक्स आ गए हैं। तो मैं भी कॉलोनी के अंदर जाता हूँ और जाके देखता हूँ कि दूसरा कॉकरोच आया नहीं आया, क्या है क्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलो हम चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अभी मार्केट का जनरेटर चल रहा है, तो इस वजह से आवाज़ का थोड़ा सा इशू होगा, और जी मैं कॉलोनी के अंदर आ चुका हूँ। देखें माशाल्लाह से भरी भरी हो गई कॉलोनी, क्योंकि बच्चे वगैरह सब इसमें सेल्फ हो गए, या आपको दिख रहे होंगे रेडाइस के बच्चे वगैरह। ये तो जो ख़राब है ये वो बच्चा है एक, और इसमें तकरीबन दो तीन बच्चे ख़राब निकले हैं, और बाकी रेडाइस के अच्छे बट्टे भी निकले हैं। एक पेयर तो मैंने अपने मामू से लिया है ये, और ये देखें सामने बैठा भाई, ये भी पट्टा है, और ये सामने ब्लू कलर का बैठा भाई, ये भी पट्टा है। चले मैं जाके देखता हूँ इन्होंने दोबारा एग लेग करे नहीं करे, या कोई चिक्स वगैरह आए नहीं है। अंदर जाकर कॉलोनी के अंदर आ चुका हूँ, और आपको मैं इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं उसका ट्रीटमेंट करके दिखाऊँगा। ये आपको सामने दिख रही होगी जो मेरे पास होकर में से निकली थी फीमेल, उसकी ना आँखें आई हुई दिखें, और काफ़ी हद तक ख़राब हो गई आँखें। ये देखें दोस्तों, ये आप देख सक रहे होंगे थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, वो मैं आपको पकड़ के दिखा दूंगा, मैंने उसके पाँव में रिंग भी डाला हुआ है। और दोस्तों ये देखें जो पट्टे निकले, ये माशाल्लाह से मेल देखें कितना फ्रेश है, और एक ये इसकी फीमेल, और एक दोस्तों ये रेड है इसके पट्टे देखें माशाल्लाह से बहुत फ्रेश है। और मैंने जो मामू का सेटअप है उस पर से भी मैंने कुछ पट्टे इसमें डाले हैं, और उनके पास तकरीबन माशाल्लाह माशाल्लाह 20-25 पट्टे निकले थे, वो जो सेल कर दिए हैं। अभी उनके भी इसमें थोड़े से कुछ पड़े हुए हैं जो ख़राब दाने हैं, और बाकी सही दाने भी उनके रखे हैं। मैं तो चलिए मैं आपको एक एक करके मटकी दिखाता हूँ, कि मेरे को भी पता, मेरे को भी नहीं पता अभी कि मटकी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों मैं सबसे पहले ये वाली मटकी से शुरुआत करता हूँ, और ये दिखाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलें इसमें देखते हैं क्या है। दोस्तों ये मटकी नंबर 1 है, इसमें कुछ भी नहीं है, और ये दूसरी नंबर मटकी है दोस्तों। देखें दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह से ये मेरे को रिज़ल्ट देखने के लिए मिला है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसमें अंडे हैं, जिसमें से मेरे को 2 ख़राब लग रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कौन से। ये दोस्तों ये वाला एक ख़राब लग रहा है, जिस पर ब्लैक कलर का निशान आया हुआ है, और एक पीछे वाला, बाकी सारे फर्टाइल लग रहे हैं। और इस पर भी एक हल्का सा डाउट हो रहा है, क्या बात है ये पहले के इनके अंडे हों दोस्तों, क्योंकि मैं कॉलोनी में आ भी नहीं रहा, कैंडलिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा, इस वजह से अब आना पड़ेगा मुझे वापसी अपने रूटीन पर। और दोस्तों माशाल्लाह से कॉकटेल के भी जो चिक्स निकले वो भी आपको मैं कल वीडियो में दिखाऊँगा। उसके बाद दोस्तों ये मटकी नंबर 2 है, अब मुझे ये भी नहीं पता कि इस मटकी में किस फीमेल ने अंडे दिए, अभी मेरे सामने निकल के तो ये वाली पियर गया था। ये दोस्तों ये मेल है और उसकी गिरी फीमेल है, ये आई ये फीमेल। चलें दोस्तों अब दूसरी मटकी में देखते हैं, ये है मटकी नंबर 2।
3 सॉरी, और इसमें देखते हैं किसने लाइक दिया। मैं नहीं दोस्तों, इसमें भी किसी ने भी नहीं दिए, और देखें थोड़ा सा मैंने ध्यान हटाया हुआ ना तो रिज़ल्ट थोड़ा सा खास नहीं मिल रहा मेरे। और ये आ गया है 4th नंबर पे। अब ये मटकी भी नहीं पता किसकी है दोस्तों। माशाल्लाह से इसमें बिल्कुल फ्रेश फल्टाइन अंडे मुझे दिखे हैं, और 3 अंडे हैं शायद किसी फीमेल ने दिए होंगे, और अभी भी वो एग लेग करेगी क्योंकि मेरे पास 3 का रिज़ल्ट तो आते ही नहीं है, हमेशा 5-6 अंडे आते हैं दोस्तों। मुझे लगा ना ये होगा रोमो फीमेल का, क्योंकि वो इसी की फीमेल में इसमें अक्सर देखता हूँ। और उसके बाद आ जाते हैं आगे वाली मटकी पे, 5वें नंबर की मटकी पे। एक सेकेंड, मुझे खाने के बर्तन हटाने पड़ेंगे, फिर शायद में आ नहीं पा रहा आगे। एक सेकेंड, आपको आगे की मटकी दिखा रहा था, उससे पहले मुझे एक शिकार दिख गया है जो मेरे तोतों को नुकसान पहुँचा रहा है। ये देखें, यही बिल्ली जो बार बार आ रही है। कल परसों भी एक मेरा जो तोता है वो यहाँ पे फंसा हुआ था नेट के अंदर। देखिए दोस्तों, वहाँ भागते हुए चले गई, ये इसको कुछ दिखाया कि है। इसका कुछ करना पड़ेगा दोस्तों, और चले मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों, हमने कहा था देखा, ये वाली मटकी देख ली थी हम, इसके बाद ये वाली मटकी आया था। और दोस्तों माशाल्लाह से इसमें अंडे हैं, और एक मेरे ख्याल में चिक्स भी है मरा हुआ। कैसे ये बीजी टेस्ट की, मैं फीमेल को उठाया था, देखता हूँ कितने अंडे दिए मैं इसने। देखें दोस्तों, अभी तक मैंने आपको बताया ना कि अभी जो क्लच आया हुआ था इनका, वो बाहर भी आ गया है, और उन्होंने दोबारा एग लेग कर भी दिया। दोस्तों इसके 4 अंडे, चारों के चारों फर्टाइल है माशाल्लाह से। इसके बाद अली पे आए थे हम, ये मटकी मुझे नहीं पता किसकी है, शायद के ये सामने वाले पेड़ की इसकी। दोस्तों इसमें भी देखते हैं क्या है। माशाल्लाह से दोस्तों इसमें भी 4 अंडे हैं, और चारों को चारों फर्टाइल लग रहे हैं मेरे को। और चलने बागी वाली मटकी पर चल के देखते हैं, मुझे लगता नहीं है कि वहाँ पर अगर किसी ने एग दिए होंगे। पहले मैं इसकी लगा दूँ बैठने की स्टिक वगैरह। और दोस्तों मैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं अपने कॉकटेल के बच्चे हैंड टाइम करूँ नहीं करूँ। जैसे मैं आगे आ चुका हूँ, और देखें सारे वहाँ चले गए हैं। नहीं दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं है, और बाकी ये मटकी देखें तो भी कुछ नहीं है दोस्तों। उससे ये बच्चा भी है जो ख़राब था माशाल्लाह से, देखिए सही हो चुका है। बाकी एक अंडा नीचे पड़ा हुआ है जिसके अंदर भी बच्चे बना हुआ था। और आपको मैं दिखा देता हूँ वो अली फीमेल, जो मेरी लड़ाई की फीमेल है जिसकी आंखें ख़राब हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पर करीब आ गई बिल्कुल। ये यहाँ पर तोते चिपके हुए हैं जाली पे, तो कुछ ना कुछ करेगी ज़रूर। तो यकीनन कुछ ना कुछ तो ये करेगी। ये देखें दोस्तों, मेरा चूजा है वहाँ पे बच्चे निकले हुए, तो ये उसके पीछे आ रही है। शिट, मैंने यहाँ जाली से ना एक तोते पे हमला करा है, मैंने वीडियो बंद कर दी थी। इसका मुझे कुछ करना पड़ेगा, ये नुकसान बहुत कुछ आ रही है। ये नई बिल्ली आई है, एक तो दूसरी आती दोस्तों कुछ भी नहीं करती। हालांकि नीचे हमारे जो रिंग नेक पैरोट है वो खुला हुआ था, उनके साथ ही होती है वो बिल्कुल शरीफ है वो, लेकिन उसका ही भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जानवर जानवर हो गए। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगेगी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर लोगों को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जाने से पहले मैं आपको दिखाई देता हूँ जो इसका मैं आपको बता रहा था। देखें दोस्तों, इसकी आँखें कितनी ख़राब हो गई है। ये एक सेकंड में आपको कैमरा खींच करके दिखा दो।
लेकिन दोस्तों ये होवर में के जो पट्टी है ये वो है जो होवर में से निकली है मेरे पास। हाँ कुछ इसके पानी भी निकल रहा है, तो इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसका इलाज बताऊँगा और इसको रिंग भी बनाया हुआ मैंने। दोस्तों अल्लाह हाफिज़।